नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे कि किसी एक पर्सनल बंदे को बाहर कैसे कर सकते हैं। डिस्प्ले पे ही आ जाएगा, उसको शॉर्टकट मतलब जैसे ओपन करेंगे तो डायरेक्ट उसी का मैसेज ओपन होगा। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो बहुत सारा आपको ढूंढना पड़ता है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे फिर उसके बाद उसका नाम ढूंढेंगे, उसको चैट करेंगे तो तब पूरा आपको व्हाट्सएप देखना पड़ता है। तो आपको पर्सनली एक ही आदमी को देखना है या एक ही आदमी से चैट करना है, डायरेक्टली उसका मैसेज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कैसे सेटिंग करना होता है तो आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। यहाँ पे अपने व्हाट्सएप पे चले जाना है दोस्तों। जैसे आप व्हाट्सएप पे जाएंगे दोस्तों, जिसको भी आपको बाहर लेना है तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मोर के ऑप्शन। मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये पांच ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऐड शॉर्टकट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड शॉर्टकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ऐड ऑटोमेटिक पे कर देंगे दोस्तों। तो जैसे आप इतना कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जो हमने अभी किया है, तो वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बाहर आ रहा है। जैसे आपको इसको मैसेज करना है या कुछ भी करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे और आप यहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैक की तरफ भी दिखा देते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने पूरा मैसेज बॉक्स पूरा व्हाट्सएप जो है बैक कर लिया है। अब इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वही खुलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।